अस्सलामु अलैकुम मेरा नाम है हसन चौधरी आप देख रहे हैं समथिंग हॉट हमारे प्रोग्राम का नाम है द हॉट रिव्यू में सत मौजूद हैं आमना इसानी, अस्सलामु अलैकुम आप जी वालेकुम सलाम हसन कैसे हैं आप मैं सेट हूं अल्हम्दुलिल्लाह आप बताएं जी क्या मैं कह सकती हूं यार माय कमिज़ुरेशंस आई नो दैट यू आर अपसेट बिकॉज़ ऑफ द मैच आई एम एक्चुअली नॉट अपसेट आई थॉट इट वाज अ थोरली एंजॉयएबल मैच थोरली एंजॉयएबल और हमारे जो पहले दस ओवरों की परफॉर्मेंस थी अवल तो जब हमने टॉस हारा तो मुझे था कि अच्छा जी फर्स्ट यू नो इट्स नॉट गुड टू लूज अ टॉस फिर जो पहले दस ओवर हमने खेले और उसमें हमारे जो बैट्समैन थे उनसे लग ही नहीं रही थी शॉट और दो हमारे ओपनर जो थे वो आउट हो गए एक तो माशा अंडे पे गोल्डन एग पे आउट हुए बाबर साहब जो है और रिजवान भी आउट हो गए मिडल ऑर्डर हमारा है नहीं तो मैंने कहा ये तो ये मतलब है कि द क्लाउड्स ऑफ हैव अराउंड दिस मैच उसके बाद 10 ओवरों के बाद बारह 13 ओवरों के बाद उन्हें मारना शुरू किया एंड दे मैनेज टू मेक क्वाइट रिस्पेक्टेबल टोटल लेकिन यार इंडियन बैटिंग बहुत स्ट्रांग है hmm. लेकिन फिर हमारी बॉलिंग भी बहुत स्ट्रांग है hmm. <laughs> तो हमारे जब शाहीन शाह अफरीदी आए और हमारे जब नसीम आए और फिर हमारे जब हारिस आए तो मैंने कहा अच्छा ये तो कुछ हो जाएगा लेकिन फिर आखिरी ओवर तक इट वाज आई मीन इट वाज वन मैन शो बताएं वो कौन थे वन मैन विराट कोहली जी विराट कोहली विराट कोहली थे वो वन मैन शो उन्होंने किया टोटल जो कि उन्होंने कर लेना था और आखिरी ओवर मैंने देखा ही नहीं आखिरी ओवर पर जब हम पहुंचे और दोनों ने विकेट ली मिस्टर नवाज ने एक आखिरी ओवर में पहली बॉल पे मैंने कहा अच्छा बट इट वाज टू लेट और उसके बाद नो बॉल्स का मैंने पढ़ा बाद में जाके कि नो बॉल्स का कोई गड़बड़ हुई और आ, हमें लगा कि चीटिंग हुई है नो बॉल नहीं था नो बॉल पर रूल्स चेंज किए गए मैंने आखिरी ओवर देखा ही नहीं I I was like, I can't. It was like It too stressful for me. अच्छी बात ये थी मैं मतलब है as, up, और, अबू और थे. और जब मुझे याद है वर्ल्ड कप हुआ था रमजान में तो मैं और अबू सैरी तक जाते थे मैच खत्म होता था हम शहरी करके पे सोते थे hmm. फिर उसके बाद बच्चे बार

मैं ये कहना चाहूंगा मैंने देखा मैं ज्यादा पाकिस्तान इंडिया के मैच हो घर में लोग देख रहे होते हैं इंटरेस्ट होता है आ, अगर आ, बुरा खेलेंगे तो हारेंगे मेरा ये असेसमेंट है मैंने देखा मुझे लगा कि पाकिस्तान अच्छा नहीं खेल पाया उन्होंने जो स्पेशली आखिरी ओवर था

लेकिन आप देखें मैं मैं क्रिकेटर नहीं हूं मैं इतनी मुझे समझ नहीं है जी। जो कोहली ने उनको छक्का मारा है नवाज को जी वो फुल टॉस पे मारा है आज हसन जी करके आए होमवर्क क्रिकेट पे आज ने ने कभी मैच नहीं फुल टॉस जीत जाए जब पाकिस्तान जीतता है तो हसन ने मैच नहीं देखा होता आज पाकिस्तान दो बॉलों से हार गया एक आखिरी ओवर की वजह से जो कि अगर कोहली को आउट कर देते ऑब्वियसली तो ये ना हार मतलब जीते लेकिन बात ये है की वाला नहीं जो हसन ने आपको हक नहीं है कुछ बोलने नहीं आप नहीं ये क्या बात ये तो आप वही बात कह रही है जो ड्रामा वाले कहते हैं डायरेक्टर के आप

इट वॉज कमेंडेबल कि आपकी खाली दो विकेटें गिरी हैं अगर ये कोई और जमाने पर पाकिस्तान टीम होती तो ये तो लाइन लग जाती जो शुरू में एक दो विकेट जब गिरती हैं और इतने हाई प्रेशर गेम में इंडिया जब के साथ आप खेल रहे हैं नब्बे हजार का क्राउड नाइन्टी थाउजेंड पीपल इन द स्टेडियम उसमें उस आप मैच खेल रहे हैं तो बड़ी नर्व्स की गेम है। बहुत credit जाता है शान मसूद गे तो जाता है बहुत credit जाता है कि उन्होंने वो दो विकेट्स को सस्टेन करके एक सौ साठ पे लेके गए ये कोई छोटी बात नहीं है सो कोर्स वेल डन ग्रेट जॉब आई एम जस्ट सेंगे इतनी अच्छी मेहनत करने के बावजूद

एनीवे anyway, तो आज हम इकट्ठा मैच मैच के के हुए वीकेंड वाले। वीकेंड वाले हाँ, बाय हो लार्ज हो तो मैंने कल मैंने आमना को मैसेज किया मैंने कहा क्या रिव्यू करना है तो मुझे तो दो ही ड्रामे याद थे मेरी शहजादी और जी दरार फिर आमना ने कहा है वबाल भी देख लो तो मैंने वबाल भी देख ली फ्रॉड भी था फ्रॉड हम कह गए नहीं देखना लेकिन क्या करें ड्रामे नहीं, और... नहीं है पिंजरा भी था। तो भी देख लिया और पिंजरा तो, 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 और... तो कोशिश करेंगे ज्यादा ना खींचे यार क्या बात करें हम भी तंग आ गए कर करके ड्रामो की बात आज कोई मुख्तलिफ बातें करते हैं ड्रामो पे आज कोशिश करेंगे बात करें तरीके से बात करें मैं इस वक्त भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हम क्योंकि हम रिव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं संडे को आठ बजे के बाद आठ बज के बारह मिनट हो गए मैं कोशिश करूँ जो हमने लेजेंड मौला जेट के ऊपर डिस्कशन की थी जिसका आपको बड़ी बेसब्री से इंतजार था वो आप तक पहुँच जाए किसी तरीके से सो आई होप कि रिव्यू ख़त्म होने तक हमारी रिकॉर्डिंग ख़त्म होने तक हम मेक श्योर sure कर सकेंगे कि वो हमारी डिस्कशन आप तक पहुँच गई हो तो उम्मीद करता हूँ कि अब तक आपने देख ली होगी अगर नहीं पहुंची तो नहीं देखी होगी नहीं देखी मैं तो कल देख लेंगे, लेंगे <laughs> बादशाह बेगम से जी। बड़ी में हमारी बात हुई है जी, राफे राष्ट्रीय रा... प्रोड्यूसर है बादशाह प्र... बेगम की बड़ा क्रेडिट जाता है यार वो बड़े कैंडिड इंसान है और बड़े खुल के उन्होंने बात की एक तो बत्तीस हफ्ते जो हम रिव्यू करते रहे वो हमेशा हमें अप्रीशियेट करते रहे और हमने बादशाह बेगम को बहुत Uh, भी किया है बहुत ये sure के जब आप लोग ये देखेंगे, तो आपको उन्होंने बड़े खुल के बात की कुछ चैलेंजेस के बारे में बहुत सारी बातों से उन्होंने खुद ही अग्री कर लिया कि यार आपका क्रिटिसिज्म सही था तो बंदा क्या करे तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरव्यू है वो भी आपको देखने को मिलेगा

एंड uh, हमने दिवाली तोहफा उनको दिया मैच आर ऑल आर व्यूअर्स दर्ल्ड्रेटिंग दिवाली uh, बहुत auspicious एक ओकेजन है उनका और um, तो लक्ष्मी आप लोगों को आए और मुझे नहीं पताइट टर्मिनोलॉजी इज बट आई नो दिवल ऑफ प्रोस्पेरिटी

फ्रॉड्स हाईलाइट ऑफ द एपिसोड क्या थी हाईलाइट दी एपिसोड थी एसन का और उनकी जो वालदा का रोल प्ले कर रही है वो सीन जहाँ पे एसन यहाँ खड़े में वालदा यहाँ खड़ी और पीछे पुल से ट्रेन गुजर के गई ओए होए आपने इतनी बारी की नोटिस की है मैंने कहा यार ये कितनी अच्छी वेल टाइम शॉट था हाँ। और दो बार ऐसा हुआ है एक बार तो ट्रेन इतनी पीछे से गुजर के गई है और वो उसकी टाइमिंग उतनी अच्छी नहीं थी बट एक बार बड़ी जबरदस्त टाइमिंग थी जैसे कैमरा एस की तरफ गया पीछे दूर पुल था लाहौर में जो मेट्रो चलती है वो मेट्रो ऊपर से देखिए ऐसे ही नहीं कैप्चर हो जाते शॉट नहीं ये ऐसे नहीं हो जाते है ये बड़ा इनके पीछे आपने कहा ना कोई नई बात करनी है तो हाँ, ये ये बड़ा बड़ी बात है कि ऐसे नहीं कैप्चर हो आप मुझे क्रेडिट दें जो ये चीजें नोटिस अब नोट से पूछे और कहना चाहूंगा ये जो मैं खिराज तहसीन पेश करना चाहूंगा उस डिपार्टमेंट को जो लाहौर की मेट्रो रन कर रहा है क्योंकि ये है पहली बार मैंने नहीं स्पॉट की फ्रॉड में राग। पहले भी ऐसे वो घर पे अच्छा। भी ये शूट हो रहा है वो जी जी। मेट्रो का पुल पीछे ही है अच्छा। यार गुड जॉब क्योंकि हर थोड़ी बार मेट्रो गुजरती है वहां से इस मतलब मेट्रो अपना काम कर रही है मेट्रो अपना काम कर रही है यार वेल डन फ्रॉड करना ड्रामा कर रहा तो चले जो भी कर रहा है लेकिन गुड जॉब टू टूवर इज इन चार्ज ऑफ लाहौर मेट्रो यार वेल डन आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू

Of course, सबा कमर, हसीन। और उनमें कहना ये चाहूंगी कि देखें बड़ा जरूरी है, कि एक हो। कि अगर आपका लंबा चेहरा है ना तो अगर आपकी लम्बी गर्दन है एक था या दो थे हंसली भी थी उसके साथ जो कॉलर बोन पर, पर गिरती है और चोकर भी था बहुत खूबसूरत उनकी लुक थी बहुत खूबसूरत उनका आउटफिट था और मेकअप भी बहुत वेल डन था तो मैं उनकी स्टाइलिंग जिन्होंने की है उनको खड़ा हाँ क्योंकि उन्होंने इस एपिसोड को चुक दिया इसकी वजह से मतलब है कि मैंने कहा वाह मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा जी अगर आप शान होती जी और अगर इतनी खूबसूरत आपकी दुल्हन होती जी आप यही बातें करके चली जाती वहां से जी एक राजे तहसी नाम लिए हाँ थोड़ी देर लगती शायद लगती हाँ, हाँ शान जिस स्टेट ऑफ माइंड के साथ मतलब कुछ मिनट ना लगते दिन लगते उनको लगे जैसे अगले एपिसोड में हमने देखा कि वो जरा हो गए हैं पता नहीं वो, वो बोलने की हद तक हाँ, ये भी हो। सही बात है सही बात है कि हाँ बहरहाल मैं अगर होता हाँ, तो आप ना तो मैं तो कहता आप ना रेजिस्ट कर मैं पाते। मैं तो... बड़ा मैं इम्प्रेस हुई यार कि जो झुमका उतारा माया से अच्छा माया माया ने अपना झुमका उतारा

वो आके कहता है माया को कि मैं जो हूं ना बहुत बु... या ये बड़ा आइकॉनिक सीन था Iconic वो बोल रहा है, है वो सोच रही है वो सोच रही है अच्छा तो तालियां ना बजाएं लोगों ने, लो ने कहना है खुदा का वास्ता तालियां के लो कानों लोगों को क्या पता हमारी जिस बात का प्रॉब्लम है

और जो माया होती है वो ज़िमल से दोस्ती करने की कोशिश कर लेती है कर मुझे और मुझे लगा कि तो पहले ही माया को पसंद करती थी और बड़ी एक्साइटेड की शादी शादी के लिए हाँ करता है तो फिर एकदम कहती करूजी है जिम्मल क्यों बदल गई पहले तो जिम्मल अभी जिम्मल कह रही मैं आपसे दोस्ती क्यों करूँ तो मुझे बात समझ नहीं आई देखिए बड़ी गहराई में बन गई हूँ मुझे बात समझ नहीं आई ये था जी फ्रॉड कर रहे हो कुछ नहीं हुआ इस एपिसोड में एक और उन्होंने शादी हो गई है शान और उसकी आप तो एम ही आदतन कह देती है कुछ नहीं हुआ सही बात है वैसे मैं और, और क्या हो और क्या हो शादी हो गई है शजी ने कह दिया मेरा केस का फैसला आ गया मैं हो गया हूं माँ जो है वो कह रही है उसको बच्ची को के वकील से क्यों नहीं बात कर ली थी अभी हमें पता नहीं लग गया था कि हर में बदलते हैं अपना स्टेट ऑफ माइंड मिस्ट्री ड्रामा वो आपको समझ नहीं आ रही प्लॉट में क्या हो रहा है जानबूझ के कर रहे हैं सीन रखे हुए हैं वो खुद आपको एंड में जोड़ के बताएंगे अच्छा यूं 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 हुआ

नहीं आपने से भी मिस की है ना बीच में एक एपिसोड मैंने मिस किया उसी में हुआ होगा उसी में कुछ होगा फिर वो मानी कैसे लेकिन आपने तो मुझे पिछले हफ्ते का इनकी शादी हो गई है शादी होने वाली है मान गई है वो हाँ। तो शादी इस हफ्ते में हो जाती है हाँ, और वो ताने शाने माने उसने माँ को उसकी माँ के साथ उसकी नहीं बनती जब से माँ ने पीतल की अंगूठी चढ़ाई मंगनी पे कहा से बननी थी कहा से बननी थी और दूसरा ये है कि मानी कैसे तो है कोई बताया यार सॉरी मिस हो गई अब मैं मैंने तो इसलिए नहीं देखा मैंने कहा आपसे पूछूंगा उसी में कुछ हुआ होगा बिकॉज मुझे भी नहीं समझ ऐसी बात नहीं कि वो पसंद नहीं करती नहीं वो तो बड़ा उसको पूरा जो सानिया हुआ था शायद उस वजह से जो इंसिडेंट हुआ था सारा एक बदने हो सकता है आप लोग बताए ना प्लीज

So, तो पंदरा, दोस्त आया जो इनका ऑफिस का बंदा है उसने कहा तुम लाख रुपया कमेटी डलवा लो तुम ले लो पहले वो इनको कमेटी डालनी पड़ेगी तो ये देखिए फाइनेंशियल बोझ उनपे पड़ रहा है तीसरा जो माहम है उसको वो लोन लेने की कोशिश कर रही थी एडवांस

उसका बेटा अभी भी वही अपनी कर रहा है कि मैं शादी करूंगा नहीं करूंगा नहीं नहीं अब वो कह तो तो से से कर लो। से कर लो लो जो नहीं। भी हो रहा है तो है ठीक ने नौकरी करना शुरू कर दी ये पहले नहीं हो रहा था पे उसका एक लड़का है। बट अगर आप देखें तो कहानी कोई इस एतबार से आगे नहीं बढ़ी कि बंदा बोले ड्रामा Like, okay, we've got nothing else to watch or review, okay, we'll watch it. We'll watch it, Bilkul. Bilkul. Exactly that. If we're missing something, please let us know. Please let us know. Is there anything that we need to say about the drama? Um, it's quite basic. It's basic but it has little things that are a little annoying. For example, dinner mm -hmm. I I mean, does, it doesn't, doesn't make sense. These Haan. things are not natural.

उठ नहीं सका बस यही बात है आगे उठे तो उठे अभी नहीं उठा अभी नहीं उठा मूविंग ऑन टू आमना देन नहीं मेरी शहजाद नहीं uh, पिंजरा 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 यार बहुत अच्छा ड्रामा है पिंजरा बहुत अच्छा ड्रामा है एक चीज मैं कहना चाहूंगी जितने प्रोड्यूसर्स हैं और चैनल्स हैं प्लीज ट्रिगर वार्निंग दिया करें इस्पेली सुसाइड जहाँ पर आप दिखा रहे हैं अटैम्प सुइसाइड वहाँ ट्रिगर वार्निंग बहुत ज़रूरी है मगर पिंजरा की अच्छी बात यह है कि दिस वॉज द फोर्थ एपिसोड हर किस में आपको एक नई चीज़ जो है ना एक हाउ टू ब्रिंग अप चिल्ड्रेन पे एक नया इंसाइट मिलता है विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड अगर जो लोग और से देख रहे हैं इट्स गेटिंग द व्यूज़ इज़ वेल ऑबियसली नॉट द व्यूज ऑफ मेरे हम सफ़र या खुदगर्जी बट इट्स गेटिंग व्यूज़ लोग देख रहे हैं अप्रीशिएट कर रहे हैं a बहुत डीप है ड्रामा बहुत डीप है और बहुत अच्छा बनाया गया है लिखा हुआ भी अच्छा है और डायरेक्शन भी अच्छी है सो so, पिंजरा मैं इंजॉय कर रही हूँ अब इसमें ना इस पूरी एपिसोड में आप क्या देख रहे हैं कि जो एक बच्चा है उस पर इतना प्रेशर है कि वो अपनी कलाई काट लेता है कि किसी तरीके से अ, मुझे ना बोर्डिंग स्कूल भेजे या जो भी उसका इमोशनल स्टेट है बाप आपका ख्याल होगा कि कहेगा कि यू नो आई 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 गिव गिव अप अप बट नो नो ही नॉट फॉल फॉर दिस इमोशनल ब्लैकमेल माँ के कहने पर बाप बिल्कुल टस्ट मस्त नहीं हो रहा बड़े बेटे ने आके कहा वेरी डिस्फंक्शनल फैमिली और जहाँ इतनी डिस्फंक्शनल फैमिली होती है जहाँ बाप माँ की इज्जत नहीं कर रहा जहाँ बाप एक बहुत ही अन रियल एक्सपेक्टेशन रख रहा है चिल्ड्रेन जो कि एकेडेमिक्स पे बेस्ड है

हाँ ठीक है देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट ही ही फील्स स्ट्रांगली अबाउट लेकिन uh, उनके आपस में कोई इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट है नहीं क्योंकि वो बीवी है इसी तरह नहीं नहीं है है क्या शी वांटेड टू प्ले द गिटार शी वाज अ सिंगर उन्होंने उनका बंद करा दिया कि मुझे नहीं पसंद वो बैकस्टोरी उतना वहां तक नहीं क्यों रहे? पहली किस में वो गा रही होती हैं

अच्छा बात ये जो आपने बात की कि एक बच्चा जब अपने आप को सेल्फ हार्म कर लेता है जी उसकी कोई बात मानी नहीं जा रही है ऑब्वियसली बात तो ये है कि माँ बाप का पेरेंट्स का ऐसा बिहेवियर होना ही नहीं चाहिए अपने बच्चों के साथ कि जहाँ पे आप अपने बच्चों को इस डगर तक पुश कर लेंगे यार वो अपने आप को सेल्फ हार्म करें या सेल्फ हार्म करने का सोचें भी क्योंकि मेरे माँ बाप मेरे पे इस तरह की जाति करें कुछ ऐसे केसेस और सिनेरियोस भी हो सकते हैं जहाँ पे माँ बाप असल में अच्छे हों, अकोमोडेटिंग हो प्यार करते हों और आपको कुछ ऐसी बातों से मना करते हों जो कि शायद आपके हक में बेहतर ना हो ऐसा हो सकता है इन दैट केस और इन दैट सिनेरियो ऐसा होता है कि जहाँ पे बच्चे अपने आप को सेल्फ हार्म करने की कोशिश करते हैं उस तरह के केस में माँ बाप का क्या रिएक्शन होना चाहिए अपने बच्चों की तरफ के इसके बाद मेरे मेरी बाद जाएंगे, तो आप वाकई में एक दरवाजा खोल देते हैं यार कि कल को बच्चा इस तरह की कोई हरकत करे अगर आप उनकी बात मान लें तो बड़ा चीज को हाईलाइट किया गया तो इसका रिएक्शन आपकी नजर में क्या होना चाहिए मेरा ख्याल है कि बच्चा जो सेल्फ हार्म करता है या ये उस हद तक जाता है कि अपने आप को तकलीफ देता है

अगर कहीं दुनिया में एक बच्चे को आप हॉस्पिटल लेके जाएं जिसने अपनी रिस्क काटी हो और जिसने अपने आप को सुसाइड करने की कोशिश की हो दे वुड नॉट लेट हिम गो आफ्टर हाफ एन आवर एंड आज के ये कैसा हुआ और मान जाएं बाप का झूठ के खेल रहे थे छुट्टियों से तो लग गई दे वुड से नो वी विल कीप हिम फॉर साइक एवेल्यूएशन योर चाइल्ड इज़ अ डिप्रेस्ड इंडिविजुअल वाई इज ही डिप्रेस्ड उसकी पूरी एक साइकोलॉजिकल एवेल्यूएशन हो तब वो उसको जाने दें इट्स अ वेरी सीरियस इशू इतना ये नहीं है कि जी बच्चे ने किया तो दोबारा करेगा सुसाइड जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है एंड अनफॉर्चुनेटली वी हैड अ ब्रश विद इट इन द फैमिली डॉक्टर्स यही कहते हैं कि एक बंदे ने एक अटैम्प्टी है वो दोबारा भी अटैम्प्ट करेगा एनी बडीज सुसाइड वंस विल इट अगैन बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकेंड टाइम और बिटवीन फेलिंग एट इट और सक्सीडिंग एट इट देर कम्स अ लॉर ऑफ़ केयर अ लॉर ऑफ़ लव

Hmm. तो बड़ी आपने सही बात की है ख़ुदा ना खास्ता अगर कोई बच्चा इस तरह का कदम उठाता है रिगार्डलेस ऑफ हाउ माँ बाप का किस तरह का बिहेवियर या एटीट्यूड है द इनिशियल फर्स्ट रिएक्शन शुड बी टू गेट गेट अ हिम हिम और हर चैकड उस बच्चे को आप उसकी साइकिल वैल्यूएशन जैसे आप कह रही किसी साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाएं जो भी मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट अवेलेबल है

क्या है अवेलेबल हमारी सोसाइटी में हमारे मुल्क में जी, दूसरा है कि कितने लोग अफोर्ड कर सकते हैं बिल्कुल तीसरा है कि कितने लोगों को पता भी है अवेयरनेस अवेयरनेस कि ये करना भी है या नहीं है तो ये काफी सारे है yeah, you, you say, so well. fact, बहुत अच्छी हैं बट सॉरी मैं अभी बात कर रहा हूं आई हैव एक्सपेक्टेड एंड जो आपने बात की है

गलत बट यही होता है जब आप अपने बच्चों को ट्रस्ट नहीं करते उनको ट्रस्ट देते नहीं है उनमें इत्माद नहीं देते उन पे एतमाद नहीं करते तो फिर वो पुश हो जाते हैं एक आपसे छुप छुप के के ढक चीजें करने में बट बड़ वो बड़ा अच्छा सीन था और उसको आ, आशिर ने भी बहुत अच्छे तरीके से निभाया आएना ने ऐना ने भी अच्छे तरीके से निभाया जब वो भाई आके अपनी बहन को समझाता है बिल्कुल बिल्कुल वो अच्छे तरीके के साथ दिखाया कि जरूरी नहीं है कि अगर

ट्रैक छोटे एक एक मैसेज हो जाता अगर एक डायलॉग बोल देते तो बेहतर हो जाता मूविंग ऑन टू आमना जी मेरी शहजादी आपने विराट को लास्ट क्यों नहीं रखा है इसको रखे हो लास्ट ठीक है विराट पे मुझे लगा थोड़ा ज्यादा मजा करेंगे ठीक है ठीक है जी

जी।, ये मुझे लड़की है। जी तो पे तो कोई पाबंदी नहीं है तो किताब की लड़कियों के साथ मुसलमान शादी कर सकते हैं जी तो मसला क्या है इस खानदान को नहीं लेकिन मुसलमान तो फिर भी होना पड़ता है नहीं कल पढ़ना अहले किताब के साथ आप शादी लड़का अहले किताब लड़की के साथ शादी कर सकता है शायद पॉलिटिकल सिनेरियो में ना एक्सेप्टेबल हो तो ज्यादा अच्छी बात है कि यार हम अपने माइनॉरिटी को जो है क्योंकि वो क्योंकि हम पाकिस्तान में तो नहीं किसी बड़े प्रोग्रेसिव मुल्क में पॉलिटिक्स सिखाते नहीं नहीं मैं कह रहा हूं कि अगर सही पॉलिटिशियन होते तो इस पे प्ले करते वो नहीं वो नहीं वो ही वांट्स हमारे पॉलिटिशियंस प्ले टू द गैलरी दे डोंट प्ले अगेंस्ट द गैलरी जी 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 ठीक है जी तो मुझे लगा कि अगर शरीय एतबार से कोई इशू नहीं है तो पॉलिटिशियंस

जस्ट फॉर क्यूरोसिटी सेक मैं पूछ रहा हूँ और कोई वजह नहीं है अगर हमारे किसी पॉलिटिशियन ने इस चीफ मिनिस्टर ने किसी अहले किताब खातून से शादी की होती तो आप क्या समझते हैं उनके बारे में या उन्होंने अपने बच्चे की किसी अहले किताब खातून से शादी की होती तो आप क्या समझते हैं इस बारे में जी की थी ना <laughs> हाँ, इमरान खान ने इमरान खान ने।, ने, ने, ने की थी इमरान खान ने की थी जमाना वो हो गई थी मुसलमान हाँ वो मुसलमान मुसलमान हो गई थी वो और वो तो जू थी बाय द वो जू भी तो हैले किताब है ना ये तो में एक्जेक्टली exactly. जू भी जूस भी हैले तो किताब में है। लेकिन हाँ ये पॉइंट है आपका मेरे ख्याल है कि अगर वो क्रिश्चियन ना भी दिखाते और ये दिखाते कि जी उनकी कोई गर्लफ्रेंड थी अमेरिका में तो वो भी प्रॉब्लम होता फॉर अ पॉलिटिशियन एक्स पास्ट लाइफ है जिसको वो छिपा रहे हैं

और ठीक है रोमांटिक भी है सही हाँ, है सारा कुछ हाँ. ठीक है आई कैन अंडरस्टैंड व्हाई टू पांव शाम भी दबा देता हाँ, है कर हाँ लाड करता है प्यार करता है तो आई एम श्योर कैम के साथ स्पॉइल भी करता है स्पॉइल करता है कैम के साथ बहुत अच्छा वक्त रहा होगा उसने जी तो ठीक है आई कैन अंडरस्टैंड व्हाई टू वुमेन आर सो हेलपेंट ठीक है ऑन बीइंग विद हिम ठीक है ओके क्या I mean, I'm not that big a fan of uh, his character, but I. Okay, what you're saying is fine. He's well cast. Is well it's cast. understandable. done done a very good has job. Done a good job. I, I done a good job. job. And now I think Urva has also These these scenes, scenes these, these... picking picking up. up Performance is picking up for sure. And these scenes were strong. करे एक्सेप्ट ना करे उसकी जो हमें फ्लैश दिखाते हैं क्यों फंसी हुई है क्यों नहीं छोड़ी और क्यों नहीं बता रही और क्यों कोऑपरेट कर रही है नजर आ रहा है वो ये बस जो वो सोचती है ना फ्लैश होता है ना बंशीज थ

and and she looks good and she's looks delivering. she's delivering the delivering delivering role I, I हाँ तो कागज था क्यों प्रॉब्लम के यार लिए यार कोरे कागज़ पे, पे पहला लफ्स लिखते ही उसको पता चलता है की कोरे कागज को तो इस्तेमाल कर कर रहा है कोई और किसकी क्या बात कर रही दोबारा एक्सप्लेन करें कोरा कागज जो उसका दिल था किसका दानिया का ठीक है उसपे पहला हर्फ जब लिखा शेरोज ने उस पहले हर्फ को लिखते ही दानिया को पता चल गया था कि कलम जो है ये और भी कई कोरे कागजों पे इस्तेमाल हो चुका है अब आपको समझ आई वो बाकी कि नहीं <laughs> बड़ी गलत बात कर दिया आपने आपकी जहनीयत खराब है मैं, बात बड़ी गलत कर मैंने तो राइटर वाली बात की आपने बड़ी गलत बात कर। जो कलम है आपने सही नहीं किया ये मैंने नहीं करना <laughs> मैंने आपको बिल्कुल एक मासुमाना बात बताई है कि आपने पूछा एक्सप्लेन करें आपको बता रही हूँ मैं कि जो उनका दिल एक कोरा कागज है उस पर पहला लव उन्होंने लिखा है पहली रात शादी के और उनको समझ आ गई कि उनका जो कलम है इट्स अदर प्लेसेस एज वेल तो मतलब है कि आप कह रहे हैं कि नहीं क्यों क्या हर्ज है इसमें तो हर्ज है ना झूठ बोला गया है झूठ इज हर्ज अर्ज्रस्ट इज हर्ज यही अगर औरत ने किया होता आप माफ कर देते है अब आप बताएं मैंने ये कब का कि उसने सही किया जो भी किया मैं आप कह रहे हैं कि क्यों आप पूछिए आपने मेरे से कि क्यों क्यों ना क्यों ना वो कहे क्या कि मेरा दिल कोरा कागज है और क्यों ना मोहब्बत हो उसको आप ये सवाल पूछ रहे हैं मेरे से नहीं नहीं मैंने कहा मुझे समझ नहीं है आपकी बात की आप ये आब कह, कह रही हैं कि ठीक है अगर उसका मन कोरा कागज था और उसको कलम से प्रॉब्लम है तो ठीक है उसने कहा मुझे नया पेन चाहिए

बाप से शादी करते तुम तो उसकी और हमारे पूरे पूरे यार ड्रामे लिखे गए हैं इस चीज पे कि औरत का पिछले शादी से पहले कुछ पसंद थी कि नहीं थी कलम से लिखना तो बहुत दूर की बात दूर दूर तक तो पसंद भी हो कागज कलम खरीदा भी गया हो तब भी मर्द नहीं माफ करते नहीं। तो यहाँ आप कह रहे हैं कि जी एक आप मर्द को माफ कर दें तो वो वो नहीं कोई नहीं कह रहा मर्द किससे का मर्द को नहीं वैसे अगर कोई कहे तो अगर कोई कहे तो नहीं नहीं उसने नहीं, गलत किया गलत है पहले ने है। गलत मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि समझ आता है कि क्यों दो खातन उस पर मर मिटी है। जी क्योंकि वो दानिया को प्यार बहुत दे रहा है जी ये सवाल उठ सकता है कि एक ही रात में उसको सुबह पता लग गया था कि ये इसकी शादी हुई है तो फिर वो क्यों इतनी मोहब्बत कर रही है उसको एक रात में मैं यही कह रहा हूँ कौन सा कोरा कागज था उसका दिल की एक रात में उसको पता चल जाता है फिर भी वो मोहब्बत किए अच्छा मैंने आपसे पूछा था आपने कहा था कि वो दानिया से मोहब्बत नहीं करता मेरा भी नहीं ख्याल है करता है

अगर उसको मोहब्बत ना होती या जेनुअनली कैम्प उसको पसंद ना होती बट उसको पता होगा कि यार मेरे पेरेंट्स ने तो कभी कैम्प को एक्सेप्ट नहीं करना तो बच्चा फिर भी उसने सर रॉयल फैमिली ने कर लिया ना कैम्प को एक्सेप्ट अल्टीमेटली तो आप उसी पे चल रहे हैं ना basically. तो वो इस होप में चल रहा था कि किसी दिन कर लेंगे ले। वो तो अब्बा बीमार हो गए बीच में उन्होंने प्रेशर डाल दिया उन्होंने कहा कर शादी करो जी उसको करनी पड़ेगी जी बट वो अपनी फैमिली से बड़ा लॉयल है वो कैम को भी ये बात कहता है कि मैं अपने बाप की जो इतनी की वो फैमिली से बिल्कुल लॉयल नहीं है वो कुर्सी से लॉयल है वो पावर प्ले से लॉयल है एक ही बात है कुर्सी भी फैमिली भी कुर्सी से ही लॉयल है फैमिली हाँ। वो कहती हैं वो सब, जो सब ये खेल जो है ना ये फॉर्मर फर्स्ट लेडी है। कहती हैं कि भई मैं तो अब इतनी मुश्किलों से

From one household household and and a a guy guy. to another household and another Dilpheng guy. Dilpheng guy. I find it a bit odd that Shahir came. एक तो आपको correct करना चाहूंगा आपने कहा जी के जो हमारी ये बच्ची है इरा, इसका कमरा ऊपर नहीं होगा नहीं शिफ्ट हुआ ये सर मैं, मैं आप अपनी गलती कबूल करने के लिए तैयार नहीं हूँ उस वक्त क्या क्यूँकी कमरा जो है वो ऊपर ऊपर है और उपर, दादी का नीचे अब ऊपर हो गया है अच्छा पहले उस वक्त उन्होंने खास ही कहा था कि कमरा नीचे है क्योंकि ये सीढ़िया नहीं चढ़ सकती है ये, ये असम्पन थी मैं नहीं अपनी गलती मैं यहाँ नहीं, नहीं नहीं मानूंगा नहीं।, नहीं।, नहीं कमरा उनका शिफ्ट हुआ है बहरल कमरा उनका ऊपर है जी कमरा का, का जी और दादी का कमरा नीचे है जी और जब इरा के कमरे में दादी आई हैं सीढ़ियां चढ़ के उन्होंने कहा इरा ने कहा कह, बड़े अरसे बड़ा अरसा हो गया आपसे मिल नहीं सकी बड़ा अरसा हो गया तो अगर एक फ्लोर पे होते दोनों तो क्यों इतना अरसा हो गया इतना तो वो चल सकती है कि वो दूसरे कमरे में जा सकती है तो इसका मतलब है वो सीढ़ियों से नीचे ही नहीं गई तब की नहीं और फिर मैजिकली एक दिन वो दादी के कमरे में पहुंच जाती है बाद में आपने देखा होगा मैं बता रही हूँ ना कमरे शेप शिफ्टिंग रूम्स हैं देखे हम लोग है ना बड़ी गहराई से देखते हैं हम तो पीछे मेट्रो देख लेते हैं जब फ्रॉड में वो पुल के ऊपर से गुजरती है तो हमें ऐसे ना आप डिसीव करें कि आपने कहा कि कमरा हो गया शिफ्ट और फिर कमरा आपने उसको कहीं और ले गए और आप फिर कहीं और दादी को ले गए और दादी को आपने इतने दिनों बाद इरा से मिलवाया और फिर एकदम सडनली दादी के कमरे में खड़ी है ऐसे ना क्या करें देखिए ये चीजें नोटिस करें मेरी मेरी बात मेरी गौर करें थोड़ी सी मैं आपसे दाइयों वाली बात कर जो लड़की प्रेगनेंट हो और जिसकी बहुत चैलेंजिंग प्रेगनेंसी हो इतनी चैलेंजिंग हो कि पहले ट्राइमेस्टर में डॉक्टर ने उसको कहा है कि यू हैव टू बी ऑन बेड रेस्ट वरना ना तो तुम यू विल लूज दिस चाइल्ड तुम कभी ही नहीं बन सकोगी ठीक hmm. है ना उसमें आप ये अज्यूम करेंगे कि सीढ़ियाँ चढ़ना इज सो डेंजरस फॉर फॉर दिस काइंड ऑफ सिचुएशन

दिमाग पे और इन दाइयों ने भी डिप्रेशन से मिसकैरेज होना या कमजोरी से होना और चीज है और फिजिकली अगर आपका यूट्रस कैरी नहीं कर पा रहा आपका बेबी वो सीढ़ियों के लिए बिल्कुल और चीज है चीज और यहाँ बहुत क्लियरली कहा गया है कि फिजिकल उनको प्रॉब्लम है नॉट इमोशनल और मेंटल ना ही वो कमजोर है ठीक है तो उस सूरत हाल में सीढ़ियाँ उनको चढ़ाना दूसरी चीज है कि जब एक औरत इतनी बीमार है और इतनी कमजोर है आप ये भी अज्यूम करेंगे के महीने बाद या छह हफ्ते बाद वो डॉक्टर को विजिट तो करेगी हाँ। अल्ट्रासाउंड कराने के लिए तो, तो उसको क्या ऊपर क्यों नीचे आप उसको ऊपर क्यों चुणाएगा? यार आप लोग बेवकूफ हैं शहीन अहमद इतना अमीर आदमी उसके घर में लिफ्ट नहीं है हमने नहीं देखी हमने देखी थी सबात में लिफ्ट घर में हाँ। अगर हमने लिफ्ट होती हम देख लेते हैं हमने नहीं एस्केलेटर घरों में नहीं होते लिफ्टें होती क्यों नहीं हो सकती लिफ्ट्स होते हैं शहीद अहमद हो सकती है हमने नहीं देखा अगर है तो हमने देखा अगर लिफ्ट है तो वी स्टैंड करेक्टेड हाँ लेकिन अगर लिफ्ट नहीं है तो ये बहुत बड़ा इशू है बहुत बड़ा इशू है हमें कि जो औरत जिसको इतना कहा है कि तुम्हारा मिसकैरेज होगा तुम बच्चा नहीं कर सकोगी मतलब तो तुम्हारी हिस्ट्रेक्ट में हो जाएगी उसको आपने ऊपर डाल दिया है तो हाँ गलत है लॉजिक गलत। को, को हाँ। यही थी कोई आपने सोचा नहीं मामले में ज्यादा सेंस थी अपनी अकेला एक्टिविटीज लेकिन आपने ये सब नहीं सोचा आपके बिहार पे हमें सोचना पड़ा आप लोग क्या कर रहे हैं अगर आपकी सारी जॉब हमने करनी है तो आप क्या करेंगे फिर और हम क्या करेंगे अगर हम आपकी जॉब अच्छा तो वैसा भी नहीं है कि लाड में कह रहा हूँ अच्छा ड्रामा है मुझे ड्राम मजा आता है शहीद आता है भाई आता तो है तारा से वो तारा जी से वो मिलता है आ, मुझे उनके किरदार का नाम नहीं पता इसलिए मैं तारा सायरा कह लेते हैं सायरा से वो मिलता है इस्लामाबाद में कराची वाले पीसी में जी ये तो हम इन गलियों में तो हम दरों दीवारों में हम बहुत में है, दे देते हैं दे दे? दे? हा, हा, क्यों दे भाई Because, yeah, अच्छा पे आप कहती है नहीं फाइन इधर आप फाइन लिखा तो कहीं नहीं आ रहा ना कराची पीछे से चलो के नहीं है ठीक और ड्रामा ऑडियंस में से कितने लोग पीसी में हम ही हैं यहाँ पे जी आप ही गलियों में पीने के चाइनीज खा के और ऊपर आपसे पूरा हम तो उससे पूरा नहीं हम ऊपर चांदनी ठीक है <laughs> वो भी उसी फ्लोर पे, जिस पे से हाँ, चांदनी इसीलिए मैंने कहा चांदनी हाँ। सकूरा वाले ये है तो वो आता है वापस सबसे पहले जाता है वो इरा के कमरे पे इरा रही होती है आगे इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी की शही आया और वो त्यार होके प्रेगनेंसी में

फिर वो दादी को मिलने गए नीचे जी ये आपको ऑड नहीं लगी बात मैंने दादी को, मिलता था। अब अगर पहले इरा को मिले तो दूसरी पे तो दादी को मिले दादी को मिल के नहाने चला जाए और डेट यार मर्द है ना फिर नहीं उससे मतलब नहीं उससे किया भी। पता नहीं कुछ किया हो तो किया हो लेकिन नहाया वो पहले ठीक समझ जाए ना फिर पहले नहाया ना हाँ किस चीज से पहले इस पूरी इंटरेक्शन से पहले ये सारे काम करने से पहले वो नहाया नहाना इतना जरूरी था या दादी से मिलना जरूरी था तो जो लेके आ रहा था पीछे से उनको धोना शायद तो के था। आया उसका हाँ। शायद ना वक्त मिला होगी तो उसने कहा पहले मैं नहा लू क्या बातें कराते ड्रामा घर पहुंच के वो कि अपने यू नो थोड़ा <laughs> थोड़ा दूसरा गुना करने से पहले पहला धो लें जी <laughs> बहरहाल ये होता है बीच में हमने देखा कि वीडियो कॉल भी होती है सजल वीडियो कॉल करती है शहीर के साथ ये जो इरा है ये भी फोन पे बात करती है सजल एक जोक मारती है कि शहीर तो है ना इरा बड़ा माइंड कर जाती है उस जोक को बड़ा उसको गुस्सा इरा ये भी कहती है कि प्लीज ये आउटफिट बदलो जाके क्योंकि ये शहीर ने मुझे दिया था उनका फेवरेट है तो मैं उनकी कोई चीज शेयर नहीं कर सकती ये भी वो कहती है इरा के नाम पे जमीन भी हो जाती है आ, वो, वो शेल्टर होम वाली।, वाली किसी हमारे परसेप्टिव व्यूवर ने कहा कि इवेंचुअली इरा इसी शेल्टर होम में पाई जाएगी जो ये बिल्ड है ठीक है मुझे नहीं पता मैंने प्रोमो शोमो नहीं देखे ठीक है पर उन्होंने प्रिडिक्ट किया कि इरा जो ये बिल्ड है ये नहीं मेरे इरा ने काफी कुछ

बट मुझे कभी कभी लगता है इरा के किरदार को देख के एक मजाक का बुरा मनाती है yeah. so, खाना की बात दूसरा यार ये साबरा को बहुत ज्यादा नहीं मैं डिस्कलेमर देना चाहूंगा फिर आप बोलेंगी

संभालना है नहीं लेकिन आप किस बात से फिर मुझे समझाएं कि उसकी लॉयल्टी शहीर के साथ होनी चाहिए उसकी लॉयल्टी तो इरा के साथ है जिसको जुमा जुमा चार दिन हुए भी उसकी लॉयल्टी सही उसके साथ है कि दादी का घर है वो सही बना रहे पाँच हजार चुप रहा है पिछली बार अगर जनरेशनल जो आप बात करिए इस केस में तो शहीर पे वो जान छिड़कने के लिए तैयार होती तो इसलिए नहीं बोल रही ना बट वो नहीं वो नहीं इसलिए नहीं बोल क्योंकि इरा बीमार है मैं साबरा को अखिराज तहसीन पेश करना चाहूंगा साबरा वो अजीम औरत है कि जिसको इस बात का एहसास है एक प्रेग्नेंट औरत का कि यार इसकी तबीयत खराब है मैं इसको स्ट्रेस नहीं दे सकती ये बात हमारा प्यारा हमजा नहीं समझ सका नहीं मेरे हमसफर में साबरा औरत है ना उसने बच्चे पैदा किए हैं साबरा औरत है वो क्या अजीम औरत हाँ, है हाँ, हाँ। उसने साबरा को प्रॉब्लम या इरा से लॉयल्टी नहीं है ना ही इससे जाहिर से डिसलॉयल्टी है उसकी प्रॉब्लम सज्जल से है

I'm अभी अभी तक, do, अभी तक दे डू uh, अभी तक दे डू इफ दे चेंज देन आई आई सर्टेनली नोटिस मोर इंटेंटली बट अभी तक दे डू ठीक है शेड सेज के मैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहता हूं मेरे बच्चे को कमी ना हो तो मैं डीलें साइन कर रहा हूं लेफ्ट राइट सेंटर ये वो ब्ला मुझे फीलिंग है ये बच्चा नहीं होगा जी मुझे भी ऐसे लग रहा है ये बच्चा नहीं तोड़ तक नहीं पहुंचेगा ठीक है सज्जल को यहाँ पे रोक दिया अच्छा सज्जल की माँ माँ और बेटी का आपस में हाँ कॉम्पिटिशन मैं उस घर जाऊं मैं रेस्ट कर लू रेस्ट करूँ सा सीन था वो हाँ। जो माँ कहती है कि मैं जाती हूँ सज्जल यहाँ पे रह लेगी जब शही आएगा तो हाँ। मुझे सुकून का सांस तो अंकल को भी पूछे ना कि यार करेलो से जरा आसान कोई चीज पकवा लें उनसे चची जान से करेले बड़ी मुश्किल चीज चची जान को अंकल ने तो नहीं कहा चची जान ने खुद ही करेले बनाए वो कहते हैं हर वक्त करेले मांगते हैं

को जियो की टीम को खराज तहसीन पेश करना चाहूंगा एक विनिंग फॉर्मूला आपको दुनिया को व्यूअर को ऑडियंस को जियो वाले बता देते हैं कि भाई ये हमारा ड्रामा सही जा रहा है आजकल बताएं कैसे कैसे एक तो शुरू में रिकैप लंबा करेंगे दूसरा बीच में बिला जरूरत फ्लैश बैक फ्लैश फ्लैश बैक फ्लैश शुरू हो गए इसका मतलब है दरार उनके लिए प्रॉफिटेबल वेंचर है वेरी गुड चलो, लेकिन है कि पे इरा से सज्जल बात करके कमरे से निकली है इरा अच्छा, हाँ, हाँ. ये निकली है इरा को बात करके और हम वापस इरा की तरफ आते हैं और अभी पांच सेकंड पहले जो हमने शॉट देखा उसी को फ्लैशबैक में चला रहे फ्लैश बैक की दुनिया में नया रिकॉर्ड कराने पे जियो को फिराजत ऐसी दरार की टीम को खराज तहसीन नया रिकॉर्ड आपने बिल्ड किया मुझे तो एक मोमेंट पे ऐसा लगा कि हम जो शॉट देख रहे हैं इस शॉट को हम दो दो तीन बार देखेंगे क्योंकि उन्होंने अब चलाने शुरू कर दिए आप आप हैं अगली दो एपिसोड में ये होना शुरू हो जाएगा यहाँ पे शहीर और सज्जल का एक सीन आएगा साथ ही उनका फ्लैश आएगा यहीं पे इरा और सज्जल का एक सीन आएगा साथ ही फ्लैश आएगा यहीं पे इरा और शहीर का एक सीन आएगा यहीं पे फ्लैशबैक उसी के बाद आना शुरू हो जाएगा ना लग रहा है ना मेरा अभी एक ही बात को रिपीट करना

उनकी अपनी बैक स्टोरी बड़ी ट्रोमैटिक थी वो नौकरी करती थी शी वॉज अ फायरी इंडिविजुअल लड़ रही हैं लोगों से मर्दों के साथ कोई पैशन था उनके लिए नौकरी का पैसे कमाने का इंडिपेंडेंट होने का हर चीज़ एक दफ़ा उनको मोहब्बत हुई है तो वो एक बिल्कुल मोम की गुड़िया बन गई है नौ, नौ, उनके अंदर से सारी इंटेलेक्ट और इंटेलिजेंस जो है वो बिल्कुल ड्रेन हो गई है ठीक है जी को आपने तबाह कर दिया नंबर वन नंबर टू आपने जो इस्लामाबाद वाली महबूबा दिखाई

why are women these women shown to be so stupid why can't they see through this this man who is transparent transparent aur keh raha hai ke main apne muh se keh raha hai yaar wo jhoot bhi nahi bol raha but sajjal ko usne jhoot bola hai sajjal ko usne jhoot bola hai however sajjal bhi itni utni dafar hai yaar to main nazar aa raha hai i mean any blind person can see why he is married irha and why he is uh, uh, hanging on to sajjal acha main uh, सजल के केस में डिसएग्री करता हूँ

इतनी तो ड्रामे फिल्मे लोगों ने देखे ही होते हैं कि अगर एक मर्द आपके साथ चीट कर रहा है तो आपके साथ चीट कर रहा है तो हैबिचुअल habitual... जी प्लीज आप ये इनफेलिटी वन आप अगर कोई मर्द चीट कर रहा है और आप, आपके साथ चीट कर और आपको पता है किसी और पे आपके साथ किसी और पे चीट कर रहा है आपके साथ

तो पता है, कि ये इसकी शादी भी हो है शादी के बाद ये कर रहा है इस्लामा yeah, you know, आप... हाँ। हाँ। बोली है ये बात। बोली है उसको ये बात है सारी फिर भी वो कह रही नहीं मुझे तो लगता है तुम मेरी आदत हो और कुछ नहीं हो मेरी आदत लगा मोहब्बत मुझे आदत हो तुम उसकी गर्ल आदत हो आदत सिर्फ आदत और कुछ नहीं

नौ बज के दस मिनट होंगे आठ बजे बारह नजर नहीं आया इसलिए नहीं बज के मिनट हो रहे हैं मेरी कोशिश है कि हम उसको अभी मैं अपडेट लेता हूँ ये वीडियो खत्म होने के बाद अपनी रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद कोशिश करेंगे आज ही आपको देखने को मिल जाए थोड़ी देर से आई अगर तो अपॉलोजीज माफ कर दीजिएगा नहीं आ सकी तो भी अपॉलोजीज माफ कर दीजिएगा फिर आपको ट्यूजडे को देखने को मिलेगी इधर में मैं और आमना आपसे मिलेंगे नाव या ट्यूजडे को या वेंसडे को इनशाला जी जी मिलेंगे मिलेंगे वेडनेसडे को विद हॉट वाइस तब तक के लिए हाफिज़